नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिपाही ने अधिवक्ता के साथ की अभद्रता, डीजीपी के आदेशों की पुलिसकर्मियों ने खुले आम उड़ाई धज्जियां। डीजीपी थाने में आने वाले लोगों को सम्मान देने और सम्मान से बैठाने की करते हैं बात। थाने में सिपाही गोविंद सादा वर्दी में करता है खुले आम दबंगई। सिपाही गोविंद ने अधिवक्ता से की थाने में अभद्र भाषा में बात, विरोध करने पर वकील से की हाथापाई। दरोगा व थाने का स्टाफ बना रहा मूक दर्शक। सिपाही गोविंद को नहीं है अधिकारियों का डर। सिपाही ने अधिवक्ता को थाने में मारे धक्के। थाना परिसर में सिपाही द्वारा अधिवक्ता के साथ की गई अभद्रता का वीडियो अधिवक्ता के साथी ने सोशल मीडिया पर किया वायरल। वकील किसी काम से आया था थाने, उसी समय सिपाही ने वकील के साथ की दबंगई। थाना मऊ दरवाजा परिसर का मामला, आलोक त्रिवेदी की रिपोर्ट। थाना मऊ दरवाजा से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वहाँ एक वकील साहब गए हुए थे, पुलिस कर्मियों द्वारा कुछ अभद्रता की गई है। क्या है पूरा मामला? मामला हमने वीडियो देखा है। वो मामला ये है कि उसमें एक वकील साहब अपने क्लाइंट के संदर्भ में कुछ पूछताछ करने गए थे। उसमें कोई गोविंद सिपाही है, उसने उनसे धक्का मुक्की की है और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है। तो ये उसका बहुत ही अशोभनीय कृत्य है, बल्कि अशोभनीय कृत्य का ये अपराध है। किसी भी व्यक्ति के साथ बिला वजह और फिर एक अधिवक्ता सम्मानजनक व्यक्ति के साथ ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। दूसरा, वो सिपाही एक पिस्टल और लगाए हुए है। अगर वो ड्रेस में हो, बीट का सिपाही है, उसे पिस्टल इशू है तो ठीक है, लेकिन वो सिविल ड्रेस में पिस्टल नहीं लगा सकता। इस संदर्भ में कल पुलिस अधीक्षक को पत्र भी भेजा जाएगा और अधिवक्ता के साथ जो शोभनीय बर्ताव किया है उस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। तो इस जैसे अधिवक्ता हैं, क्या जानकारी हुई अधिवक्ता किस काम को लेकर? अधिवक्ता सौरभ गंगवार हैं, वो एक अपने क्लाइंट को बैठा ले हुए हैं कल से पुलिस वाले, तो इस संदर्भ में पूछताछ करने गए थे कि भाई आप या तो इनका चालान करो या इन्हें छोड़ो। तो अधिवक्ता अपने क्लाइंट की पैरवी करेगा ही करेगा, पूछताछ करेगा। ये वीडियो में भी साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने केवल पूछताछ की थी और उनके साथ एक दरोगा सुदेश कुमार की उपस्थिति में सिपाही ने बदतमीजी की है। ये बहुत ही अशोभनीय निंदनीय कृत्य है, इस पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें डीडी टुडे।